नमस्कार, जनप्रवाद में आपका स्वागत है। आपके शहर की खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। दाहोद के नवजीवन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के प्रांगण में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आगमन हुआ। परंपरागत मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से पूरे गुजरात राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरण दाहोद शहर में निकलती है, उसी तरह दाहोद से गुजरात के कोने कोने तक पोषण अभियान को पहुंचाना है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सूत्र सही पोषण देश रोशन को सार्थक करने के लिए गुजरात पीछे नहीं है। दाहोद से गुजरात के कोने कोने तक पोषण अभियान प्रारंभ किया गया है। गुजरात पोषण अभियान में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दाहोद को पवित्र भूमि कहकर समग्र गुजरात सुदृढ़ बने ऐसा संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात से कुपोषण को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। अभी तक महिला और बाल विकास विभाग का बजट 400 करोड़ था, इसे बढ़ाकर 3000 करोड़ कर दिया गया है। जन्म देने और जन्म लेने वाले दोनों की तंदुरुस्ती के विचार से ही तंदुरुस्त गुजरात बन सकता है। गुजरात की प्रगति, विकास और वेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में गुजरात नंबर वन है, लेकिन कुपोषण की चिंता जरूरी है। यहाँ की किशोरी, बालक और महिला पोषण युक्त नहीं बने तो सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने तन तंदुरुस्त तो मन तंदुरुस्त वाली कहावत कहते हुए आश्वासन दिया कि गुजरात के कोने कोने में रहने वाले सभी लोगों को कुपोषण से मुक्ति मिलेगी। एक वर्ष दरमियान संपूर्ण गुजरात पोषण युक्त गुजरात बने, कुपोषण मुक्त गुजरात बने, इतना माते अपोषण सब गुजरात नो कार्यक्रम ने लॉन्च करवामा आयो छे। दाहोद जिल्लामां ओछू वजन, ओछी ऊंचाई वाळू बाळक एवा अति कुपोषित 6000 बाळको एने आइडेंटिफाई करी एक एक बाळकना एक एक पालक जे एनी चिंता करे। गुजरात सरकार द्वारा किशोरीओ, माताओ, धात्री माताओ, सगर्भा बहनों अने बाळक माटे विटामिन्स, प्रोटीन, एनेमिया न थाय अने साथे साथे बाळक तंदुरस्त रहे, माता तंदुरस्त रहे, किशोरी तंदुरस्त रहे, एटला माटेनू सरकार 3000 करोड़ रुपयानो खर्च करीने व्यापक पूर्ण योजनाथी मांडीने बाळ भोगथी मांडीने अनेक वस्तु एक एक आंगणवाड़ी 55000 आंगणवाड़ीमां आपणे वितरित करीए छीए।